Hi, this is Himanshu Kumar. Presently, I am studying in Sarat Chandra IAS Academy, intermediate with IAS Foundation. So, आज हम देखेंगे Schedule 6th of Indian Constitution, यानी कि Schedule 6. हमारे पास ये न्यूज़ में किस लिए है? उसमें हम लोग देखेंगे Autonomous District Council के बारे में, उसका क्या provisions है, और हमारा आज का content होगा Why it is in news. Schedule 6 हमारे पास Constitution में बहुत पहले से ही है. 1949 में ये आ चुका था, लेकिन अभी हम जब लोग देखेंगे तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है. आप लोग डेली न्यूज़ में इसको देख सकते हैं. तो उसका हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका हम लोग करेंट सिनेरियो देखेंगे, उसका करेंट प्रोविजंस क्या है, वो उसमें क्या क्या प्रोविजंस है जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में है, उसके बारे में हम लोग फिर देखेंगे व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर शेड्यूल 6. उसके बाद सम ऑफ द इश्यूज देखेंगे, वो हमारा उसके पास कौन कौन सा प्रॉब्लम शेड्यूल 6 स्टेट में जो भी ट्राइब्स रहते हैं उनके पास क्या क्या प्रॉब्लम फेस्ड उनके द्वारा किए जाते हैं, और उनका सॉल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड देखेंगे हम लोग आज. तो आइए शुरुआत करते हैं व्हाई इट इज इन न्यूज. कुछ समय पहले हमारे भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बिल का पास हुआ. वो एक दिन के बाद उसको प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया और वो हमारा एक अभी एक्ट बन चुका है. तो इसीलिए ये अभी न्यूज़ में है. अब हम लोग आगे देखेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और शेड्यूल 6 में क्या कनेक्शंस है. हम लोग अभी देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स. तो शुरुआत करते हैं 1822 रेगुलेशन 10 बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था कि नागालैंड जो था, नागालैंड के पास नॉर्थ ईस्टर्न पूरा स्टेट जो था उसके पास बहुत सारा रिसोर्स था, वो ब्रिटिश उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता था. वो फॉरेस्ट में वो सब लकड़ी होते थे और बहुत कुछ ऐसा चीज़ होता था जो कि ब्रिटिश के द्वारा काम में लाए जा सकते थे. तो 1822 में ब्रिटिश सरकार ने क्या कि उसने रेगुलेशन 10 लाया भारत में और उसमें नागालैंड के समक्ष में एक एरिया बनाया. उस एरिया में जैसे वो पहले बंगाल में आता था, तो बंगाल में पहले होता था गवर्नर का, एक गवर्नर होता था जो पूरा बंगाल को रूल करता था. लेकिन उस टाइम नागालैंड के लिए ऐसा पहला टाइम हुआ था जिसके लिए सेपरेट गवर्नमेंट जैसा बना दिया गया था, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बना दिया गया था जिसमें उसके द्वारा नागालैंड को रूल किया जाता था. फिर उसके बाद ही हम लोग देखेंगे तो 1869 में नागा एक्ट आया. नागा एक्ट आने के बाद उसमें फिर नागालैंड को और ज़्यादा प्रोविजन दे दिया गया जो कि वहाँ पे उसको अपॉइंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको रूल करने के लिए, उसको और ज़्यादा पावर दे दिया गया. फिर और से बढ़ता गया, फिर गारो खासी जयंतिया बिल में एक्ट हुआ, गारो खासी जयंतिया को भी ऐसा ही प्रोविजंस दे दिया गया था उस टाइम. फिर हमारा डिफरेंट स्कीम्स आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कि स्कीम्स बोलता था कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा और सेपरेट एरिया होगा, एक्सक्लूडेड एरिया होगा जो कि ट्राइबल्स के लिए होगा. उसके बाद 1873 बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन, ये भी आजकल हम देखेंगे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इसका चर्चा हो रहा है क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 उसमें भी ये बोला गया है कि शेड्यूल 6 का जो एरिया है और ILP इनर लाइन परमिट का जो एरिया है उसमें अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं हो सकता है. जो भी उसके अलावा जितना भी भारत में जगह है उसमें सभी जगह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होगा, लेकिन ये जो एरिया ILP है और शेड्यूल 6 का एरिया है जिसमें नहीं होगा. तो ILP में हमारे चार स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और मणिपुर आता है. मणिपुर देखिए 10 दिसंबर 2019 में 10 दिसंबर 2019 में मणिपुर को इसमें जोड़ा गया क्योंकि मणिपुर का भी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, उसका कल्चर जो उसका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसमें उस वो सब को भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट से बचाना था, तो इसलिए उसको मणिपुर को 10 दिसंबर को इसमें जोड़ दिया गया. अब देखेंगे 1935, आप लोग सब जानते हैं 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था जिसमें बहुत सारा रिफॉर्म्स किए गए थे. लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स था, जुडिशियल रिफॉर्म्स था, बहुत सारा रिफॉर्म्स था. तो उसमें एक प्रोविज़न ऑफ एक्सक्लूडेड एरिया का जो प्रोविज़न था वो दे दिया गया था. उसमें स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो सब के लिए एक्सक्लूडेड एरिया बताया गया था. उसके पास स्पेशल प्रोविजंस होते थे, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हो गए, जुडिशियरी प्रोविजंस हो गए, जो वो सब के पास थे. अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ब्रिटिश से आज़ादी हम लोग को मिली तो एक एडवाइसरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स बनाया गया. उसमें अब देखिए ये सेपरेट क्यों बनाया गया,
हम लोग के पास फंडामेंटल राइट्स तो है, हम लोग जो नॉर्मल सिटीजन है, हम लोग इंडिया के, हम लोग के पास फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन वो लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न में पीपल, जो ट्राइबल्स एरिया का पीपल हैं, उनके पास कुछ अलग ही उनका कल्चरल आइडेंटिटी है जो कि उनका हिस्ट्री से उसको रिलेट करता है। तो इसीलिए उन लोगों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए और ट्राइबल पीपल्स के लिए ओप एडवाइसरी कमेटी बना दिया गया था। जब 1949 में एक बरदोली कमेटी अपॉइंटेड किया गया, उसने रिसर्च किया नॉर्थ ईस्टर्न पीपल में जाकर, वहाँ का सेंसस लिया, उसी के हिसाब पर उसने शेड्यूल 6 का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लागू किया, पारित किया, और वो पारित करने के बाद बोला कि हम लोग के पास शेड्यूल 6 स्टेट होना चाहिए जिसमें स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए उस स्टेट के लिए, उस एरिया के लिए जो शेड्यूल 6 में आते हो। तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। और हम चलिए आगे देखते हैं करेंट सिनेरियो। जैसा कि आप लोग देखिए, अब हम लोग आते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे। एक्चुअली क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? ये तीन देश के लिए जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सिक्स माइनॉरिटीज रिलीजियस, सिक्स हिंदूज, क्रिश्चियंस, पारसीस, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, ये सिक्स जो माइनॉरिटीज रिलीजियस है उनके लिए प्रोविजन कर दिया गया। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस जो था, जो पहले 11 साल में होता था, अब वो घटाकर 5 साल कर दिया, और वो जो इलीगल माइग्रेंट थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया, उनको जो वो रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको लीगल माइग्रेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये नॉर्थ ईस्टर्न को बहुत अफेक्ट कर रहा था उस समय, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, आसाम में, वो सब ऐसे स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। इसलिए सरकार ने उसमें प्रोविज़न ऐड कर दिया कि जो भी शेड्यूल 6 का स्टेट है और इनर परमिट लाइन का, ILP का, इनर लाइन परमिट का जो स्टेट है उसमें ये लागू नहीं होगा। तो अब हम लोग एरिया देखेंगे। टोटल हमारे पास 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता क्या, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है CAA। तो आसाम में हमारे पास 3 एरिया है, बोडोलैंड है, कर्बी एंगलोंग है और दीमा हसाओ है। कर्बी एंगलोंग तो आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर पास करता है, जहाँ पे हमारे पास नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क है, उधर कर्बी एंगलोंग, तो वो एरिया आसाम में इंक्लूडेड कर दिया गया है। फिर हम लोग देखेंगे मिजोरम में। मिजोरम में हम लोग का एक एरिया, 3 एरिया है, मारा, लाई एंड चकमा। इसको शॉर्टकट करके याद करने के लिए आप MLC करके भी याद कर सकते हैं, मारा, लाई एंड चकमा। तो हमारा फिर मेघालय का स्टेट है जो गारो, खासी एंड जयंतिया, वो 3 हिल्स है, वो हिल्स में भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया गया है। और एक है त्रिपुरा, और त्रिपुरा पूरा टोटल एरिया ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मीन्स त्रिपुरा का जो पूरा एरिया है, पूरा स्टेट में, वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर आता है, वो शेड्यूल 6 के अंदर आता है। लेकिन जो आसाम, मेघालय, मिजोरम में जो एरिया है उसमें तीन ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और शेड्यूल 6 के अंडर में आता है। और ILP, जैसा कि हमने आपको बोला कि 4 ILP हमारे पास है, जिसमें रिसेंटली हम लोग को मणिपुर भी ऐड कर दिया गया था 10 दिसंबर को, तो वो एरिया भी इंक्लूडेड कर दिया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। अब देखेंगे प्रोविजन अंडर 6 शेड्यूल। तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मेन प्रोविजन है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। तो ये होता क्या है, जैसा कि हम लोग देखें, हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारे पास पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा है, ऐसा ही एक प्रोविज़न वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दे दिया गया। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक काउंसिल बनेगा जिसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। 30 मेंबर्स में 26 मेंबर्स वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पीपल्स, जो उसका सिटीजन्स है, जो उसमें ट्राइब्स रहते हैं, वो इलेक्ट करते 26 मेंबर और 26 मेंबर्स को। और जो 4 मेंबर्स होते हैं वो पावर अपॉइंट करने के लिए गवर्नर को दे दिया गया है, कि जो गवर्नर 4 आदमी को अपॉइंट करेंगे उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। तो ये बना दिया गया है, और उनका कंपोजिशन होता है 5 ईयर का। अब इसमें भी देखिए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो शेड्यूल 6 है उसका 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होता है, जो एरिया जो कि वो सब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में है, जो थोड़ा बहुत डेवलप है, जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड है, जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली अच्छा है। लेकिन पार्ट 2 में क्या होता है कि जो एरिया जो गवर्नमेंट उसको देने के लिए चाह रहा है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी है, कोई भी उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ज़्यादा पावर देने के लिए चाह रहा है, वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका कारण क्या है कि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बहुत कम एजुकेटेड है, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये शेड्यूल 6 में 2 पार्ट होते हैं, उसका टर्म किस 5 ईयर के लिए होता है। और उस पार्ट 2 का हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो आसाम में मैंने आपको बताया था बोडोलैंड, और बोडोलैंड पार्ट 2 में आता है, उसके पास 30 मेंबर्स का काउंसिल नहीं है, वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है।
फाइव ईयर का टर्म होता है, कभी कभी गवर्नर के द्वारा इसको ज़्यादा भी कर दिया जाता है, कम भी कर दिया जाता है, ये सब उस एरिया का प्रोविजंस और उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट एरियाज के अंदर है, क्या अभी प्रेजेंट सिनेरियो जा रहा है, उसके कारण इसको देखकर उसको कंपोजिशन को और टेन्योर को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। आगे देखेंगे उसका मेजर इश्यू क्या है। तो देखिए, डिले इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन। अब क्या होता है कि वो जो एरिया होता है उसका पीपल सब ज़्यादा हम लोग कंसर्न्स नहीं होते हैं, वो ज़्यादा कंसर्न नहीं होते कि इलेक्शन का फ़ायदा क्या है हम लोग को, हम लोग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारा आदमियों को, हमारा रिप्रेजेंटेटिव को। तो इलेक्शन में बहुत डिले हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे आसाम में इलेक्शन का टेन्यूर फाइव ईयर होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे दो तीन बार से इलेक्शन सात ईयर के लिए, सिक्स ईयर, सेवन ईयर, एट ईयर के लिए बढ़ा दिया जा रहा है। एक और प्रोविज़न है मणिपुर काउंसिल एक्ट 1972, उसमें क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट है हमारे मणिपुर एक्ट 1972 जो है और ये जो हमारा प्रोविजन है शेड्यूल सिक्स, वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। मणिपुर क्या कह रहा है कि हमारे पास भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो कि मणिपुर काउंसिल एक्ट 1972 के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके पास बहुत कम लेजिस्लेटिव पावर है और जुडिशियल पावर तो है ही नहीं इसके पास। मणिपुर काउंसिल एक्ट उसमें भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है दो, उसके पास है ही नहीं। अब हम लोग देखेंगे क्राई इन अरुणाचल प्रदेश। तो क्राई इन अरुणाचल प्रदेश मीन्स अरुणाचल प्रदेश में भी दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनका नाम है मोम और पटनी, सॉरी पटाका। तो उसमें हम लोग देखेंगे क्राई ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो दो एरिया भी है जो बहुत ही बोल सकते हैं इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नीचे है, उसका एजुकेशन अच्छा नहीं है, बहुत वो सब का भी डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश भी डिमांड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम लोग को भी उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविज़न होना चाहिए। और हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल ऑटोनमी, जो कि हमारा आर्टिकल 280 है जो फाइनेंस कमीशन से डील करता है, वो तो हमारा पॉलिटी है, उसमें आप लक्ष्मीकांत में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें भी आर्टिकल 280 में रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ था, वो 280 में अमेंडमेंट हुआ था, उसको जो फाइनेंशियल ऑटोनमी जो फंड होता है जो कंसोलिडेटेड फंड से, उसको बढ़ाकर दे दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में उसको बढ़ाया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब वो पहुंच रहा था उसको अच्छा से उस एरिया में यूज नहीं किया जा रहा था, उस एरिया में अच्छा से इसका यूज नहीं हुआ। ये भी हमारा एक मेजर इशू है जो उसके पास डायरेक्टली पहुंच नहीं रहे हैं, जो भी स्कीम हमारा गवर्नमेंट दे रहा है वहां पे नहीं जा रहा है डायरेक्टली। हमारे पास ये होना चाहिए कि जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट कर रहे हैं उन लोगों के लिए, वो उनका हार्ट और लैंड से, उसका बेस रूट से जुड़ा होना चाहिए, तो हम उसमें डेवलपमेंट देख सकेंगे। अब हम लोग देखेंगे सजेशंस एंड वे फॉरवर्डेड। तो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाते हो, कोई भी पॉलिसी लाए शेड्यूल सिक्स के लिए, तो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जो अलग ट्राइबल्स एरिया है जो शेड्यूल सिक्स में जो एरिया है। अब शेड्यूल सिक्स को अब गवर्नमेंट कुछ दे रही है, अब अलग ट्राइबल एरियाज वाला भी मांगेगा कि हम लोग को भी वो प्रोविजन चाहिए जो उसके पास एक्स्ट्रा है, हम लोग भी तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो सिर्फ शेड्यूल सिक्स के लिए क्यों है, हम लोग के भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ऐसा स्कीम्स लाना चाहिए जो दोनों में इन्फॉर्मिटी लाए, वो उसके पास दे रहा है जो इसके पास भी होना चाहिए। पास तो अब देखिए बराबर नहीं हो सकता क्योंकि वो शेड्यूल सिक्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसका ग्रांट देता है, लेकिन ऐसा लाए कि कॉन्फ्लिक्ट दोनों स्टेट के बीच में नहीं हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देयर कल्चरल एंड प्रेजेंट स्कीम्स। तो देखिए हमारे पास गवर्नमेंट प्रेजेंट स्कीम्स ला रहे हैं उनके लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वो भी एक तरह का मानिए एक्ट है जो कि मानिए अब शेड्यूल सिक्स एरिया में उसको अब जब कर दिया जाता, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता, तो उस टाइम उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता क्योंकि उनका कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो पूरा तरह से मिट जाता। अब आप लोग इस एरिया में एक एरिया में रह रहे हैं, अब उस एरिया में दूसरा पीपल बार बार बहुत ज़्यादा पीपल आ गया, तो आपका आइडेंटिटी तो मिट ही जाना चाहिए ना, और उसे मिट जाएगा। रोहिंग्यास का भी इशू था जिसमें आसाम बहुत फेस किया, हमारा NRC आया, तो वो सब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही हो उसको ये देख कर चलना चाहिए कि वो जो माइनॉरिटी है जो उस एरिया में ट्राइबल है उसका दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं अराइज हो, दोनों के बीच में एक डिप्लोमेटिक तरीका से उसका देखना चाहिए और स्कीम्स लाना चाहिए। अब हम लोग वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करेंगे। तो देखिए हमारे इंडिया में भी तो बहुत ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं है। रिसेंटली हमारा एक आया था जिसमें 14.6% वुमेन प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, तो इधर भी बहुत कम, नियरली 3% के आसपास वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो सब एरिया में। तो अब सोचिए 3% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है,
तो वुमेन को उसका भी एक आइडेंटिटी है वुमेन का उस एरिया में, तो उस आइडेंटिटी को भी लेकर चलना चाहिए और वुमेन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए और ऐसा एक एक्ट लाना चाहिए उस एरिया के लिए जो कि रिजर्वेशन के लिए हो, तो ऐसा एक्ट लाना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी, जैसा कि हमने बात कर चुके थे कि कल्चरल और प्रेजेंट में दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो इसी के बीच में उसका जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करके चलिए, जो उनका लैंग्वेज है, जो वो फॉलो कर रहे हैं, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, जो उनका पूजा करने का तरीका है, वर्शिपिंग करने का तरीका है, जो उनको फॉरेस्ट के लिए बचाव का तरीका है, एनिमल के बचाव का तरीका है, इससे हम लोग को देश को भी फायदा हो सकता है। वही बहुत ज़्यादा एक कारण है हमारे देश में जो कि नेशनल पार्क में जानवरों को बचाया जा रहा है, उनका ट्राइबल का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। तो कल्चरल आइडेंटिटी को जब आप प्रोटेक्ट कीजिएगा तो हमारे देश में बहुत सारे जो फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं ये सब हो रहे हैं वो भी आप बचाव हो जाएगा। अब देखिए एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नेंस, अब ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस तो होता रहना भी चाहिए। अब एक बहुत ज़्यादा आप एरिया बना दिए उसमें एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे दिए तो डायरेक्ट सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कीजिए, उसमें भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस बनाइए, जो कि स्पेशली जैसे कि हो गया बोडोलैंड, तो बोडोलैंड पार्ट टू में आता है, तो उसमें भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस को पावर दीजिए कि उसके पास भी कुछ पावर होना चाहिए, जो कि छोटा छोटा एरिया में करके होना चाहिए। अब जब ये सब पावर उन लोगों को दे दिया जाएगा तो देख सकेंगे कि आप हमारे ये ट्राइबल पीपल्स जो हैं वो खुश दिखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।